नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉमटेलिया पर। आप सभी रीस्टार्ट करिए। आज यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है 2023, बहुत ही खुशी का समाचार है। बच्चे ने टॉप किया है किसी, कुछ गुप्ता करके नाम है उनका। सेकेंड रैंक थर्ड रैंक भी लड़कों की है। अच्छा, सफलता आप लोग सबको, सफलता अनंत शुभकामनाएं। और इस राम युग में सफलता पाकर कैसा लग रहा है ये शेयर करेंगे वो अखबार में कल अपनी बातों को, जो हम पढ़ेंगे कि जो यूपी पीसीएस के टॉपर हैं। आप लोग भी टॉप करें, आप लोग भी सफलता पाएं। और आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर 19 जन संघर्ष और राजनैतिक व्यवस्था। जो विद्यार्थी असफल हुए वो निराश न हो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। आप सभी लोग रामचरितमानस का रोज पाठ किया करिए, एक आत्मबल मिलता है। दो तीन चौपाइयां दोहे सोरठे छंद पढ़ा करिए जो उसमें दिया है, उसमें काव्यगत विशेषताएं भी हैं पूरी। एक हिंदी साहित्य का पूरा समावेश है श्री रामचरितमानस, तो आप लोग भी पढ़ा करिए, उससे आत्मबल मिलेगा। और एक थोड़ा समय आधा घंटा निकाल के 10 मिनट 15 मिनट निकाल के प्रभु में ध्यान कीजिए, योग कीजिए और नित्य नियमित प्रगति के नए आयाम स्थापित कीजिए। सुबह उठिए, पढ़िए, ठंड बहुत है लेकिन कठिन परिश्रम करिए। भारतीय किसान यूनियन की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद भारतीय किसान यूनियन अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे। और इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी, मतलब जो इनके कार्यकलाप थे, गतिविधियों का मतलब क्या गतिविधि करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या समाज में करती हैं, वो जो संगठन है उसको गतिविधि के भाषा से संबोधित करते हैं कि भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। किसके द्वारा बताइए? क्योंकि जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था भारतीय किसान यूनियन। किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत और वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे, और इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। इस पर जातिगत और वंशगत जो इनका संपर्क था, 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा।
या अपने सदस्यों के भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव शुरू। एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद भी भारतीय किसान यूनियन अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था और भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था और ये अपने सदस्यों के कौन भारतीय किसान यूनियन अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में, देखा था आपने कितना बड़ा किसान आंदोलन चला था। कुछ अन्य किसान संगठनों को अपने साथ लेकर भारतीय किसान यूनियन बीकेयू ने कुछ अपनी मांगे मनवाने में सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन अस्सी के दशक के सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। अस्सी के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। सबसे ज्यादा सफल मतलब पूरा सक्सेस था यह सामाजिक आंदोलन, और भी किसान आंदोलनों को अपने साथ मिला लिया। किसी औपचारिक संगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि कारण क्या था कि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था। ये अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में कहां पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था और इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई। और इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था।
इस आंदोलन की सफलता के पीछे, इसकी सफलता मतलब आंदोलन, इसकी सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मूल भाव, इसके सदस्यों की राजनीतिक मूल भाव की क्षमता का है। क्षमता का हाथ। यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था, देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले किसान, देखिए क्या करता है, खेती को अपनी जीविका का आधार मतलब बेस जो होता है कि लिविंग का, लिविंग स्टैंडर्ड का, जो खाना पीना है, जो जीविका है, जो दाल रोटी चलती है, जीविका का आधार बनाने वाले अधिक से अधिक भारतीय किसानों के विपरीत भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान, ये बीकेयू जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब है भारतीय किसान यूनियन का शॉर्टकट है। तो भारतीय किसानों के विपरीत भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन के सदस्य, बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे, नकदी जिनको की बेच के तुरंत पैसा मिल जाता है, उपजाते संगठनों के लिए। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक थॉरो रिवीजन देते हैं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप देख रहे हैं फॉर्म के लिए अपॉइंटमेंट, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, करैक्टरिस्टिक स्पेशलाइजेशन ऑफ भारतीय किसान यूनियन। वी हैव रीड भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं। किसी औपचारिक संगठन के ढांचे के अभाव के बावजूद भारतीय किसान यूनियन अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था, और भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे, और इन्हीं संपर्क तंत्रों के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। 1919 के दशक के शुरुआती सालों तक भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा था, और ये अपने सदस्यों के संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाई, और संगठन को साथ में लेके अपनी कुछ मांगे मनवाने में क्या की, सफलता पाई। इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। इस समय में किसान आंदोलन 80 के दशक में किसान आंदोलन सबसे ज्यादा सफल सोशल रिवॉल्यूशन था। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सोशल रिवॉल्यूशन क्या था 80 के दशक में? सबसे ज्यादा सफल सामाजिक आंदोलन किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? फार्मर्स रिवॉल्यूशन। तो इसकी सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मूल भाव की क्षमता का हाथ क्या था? ये आंदोलन जो था भारतीय किसान यूनियन,
यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में, मुख्य रूप से भारत के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था, मुख्य रूप से भारत के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे, बाजार के लिए नकदी फसल उपजाते थे। एमपी पीसीएस 2024 का फॉर्म आ गया है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज। ये एग्जामिनेशन मैं भी कभी कभी बैठ जाता हूं देखने के लिए कि आखिर बच्चे किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं पीसीएस के एग्जाम में। एमपी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसको आप दीजिए। यूपी पीसीएस भी आपने भर चुका होगा, दीजिए। और जुडिशरी की भी तैयारी कीजिए अगर आपने लॉ की है। बहुत